थ्री फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, ये छोटी मोटर, ये बड़ी मोटर, कौन कौन सी बाइक में आती है, ये कौन सी बड़ी वाली मोटर में कौन सी आती है, पहले कौन सी आती थी, अभी अब कौन सी आती है, इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या फ़ायदा है, ये सारे जवाब इसी वीडियो में। ठीक है गाइस, तो हेलो, हे गाइस, मैं जेपी नजरगढ़ दिल्ली से, मैं मल्टी ब्रांड वर्कशॉप चला रहा हूँ लास्ट 30 साल से। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो गाइस, अगर बात करें हम, ये फ्यूल पंप की मोटर है, ठीक है, हर कंपनी में अलग अलग लगाती थी, पहले कौन सी आती थी। तो अगर पहले अगर हम बात करें आज, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, कारों में अगर बात करें तो सन 2000 से कंपलसरी कर दी थी गवर्नमेंट ने। तो सन 2001-02 के आसपास में हर कार के अंदर पहले कार्बोरेटर आता था हमारे कारों में भी, लेकिन बाइकों में अभी 2021 में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उसमें नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि हीरो ग्लैमर है, ये 2008-09 में आ गई थी, अपाचे RDR भी आई थी, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई, उसमें कंपनी ने बंद कर दिया था। पल्सर 220 में आई थी, उसमें भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, उसमें भी बंद कर दिया था। लेकिन ग्लैमर की जो FI बाइक थी उसमें काफ़ी जो लीक उसमें तो चली काफ़ी, लेकिन उसके प्रोडक्ट में जो पार्ट्स थे, फ्यूल पंप है, इंजेक्टर है, वो काफ़ी कॉस्टली थे, बाहर मार्केट में हम खुद नहीं कर पाते थे, नई टेक्नोलॉजी होने के कारण हमने भी बाद में काफ़ी स्टार्ट किया काम, ठीक है। तो मतलब काफ़ी परेशानी होती थी BS6 टेक्नोलॉजी के ऊपर देखते हुए। BS6 टेक्नोलॉजी अभी नाम हुआ 2021 में, पहले तो BS4 ही थी, लेकिन FI सिस्टम की बात करें तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी काफ़ी, ठीक है। तो पहले गाइस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो बेस्ट आती थी, अच्छा पार्ट आता था, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता था। अब प्रॉपर मैकेनिक तो उसको हाथ ही नहीं लगाते, मैं खुद नहीं करता था यार, अभी स्टार्ट किया मैंने, पिछले 2-3 साल से मैं खुद करने लगा हूँ, पहले समझ में नहीं आती थी। ग्लैमर की मैं अगर बात करूँ तो मैंने उसकी ट्रेनिंग भी है, मेरे पास बुक भी है, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आती थी, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने फ्यूल प्रेशर गेज लिया, पूरे टोल लिए, स्कैनिंग सिस्टम लिया, तब से मेरे को ये लगा, हाँ थोड़ा लग गया, अब ये ईजी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, BS6 गाड़ी कोई सी आ जाओ, FI सिस्टम कोई सी गाड़ी में आ जाओ, मतलब हम उस गाड़ी का सारे वक्त अब काम करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस क्या करने वाले हैं, BS6 और भी इनकी बात नहीं करने वाले हैं, अब करने वाले हैं इस वीडियो में जो इस बड़ी मोटर में और ये छोटी मोटर में क्या अंतर है फ्यूल पंप की में, ठीक है, ये बढ़िया है या ये बढ़िया है, ठीक है। तो हम इसको पूरा इसको क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट में ऑपरेशन करेंगे, इसको काटेंगे जड़ से, ठीक है, तब दिखाऊंगा मैं क्या होता है क्या नहीं। बड़ी मोटर अगर हम उसकी बात करें तो मैंने पहले काटी हुई है, उसमें क्या होता था, मोटर के अंदर मैग्नेट है, कार्बन लगे हुए हैं, जैसे हमारी सेल्फ की मोटर में लगे होते हैं, ठीक है, एक एम्पीलर होता है प्रेशर बनाने के लिए, जितना प्रेशर इंजेक्टर को चाहिए उतना प्रेशर ये उस इंजेक्टर के ऊपर रखता था, ठीक है। और इस अब दिखाता हूँ मैं आपको काटी हुई, अब ये अगर हम बात करें इसकी मोटर की बात, सिंगल फेस की, इसके अंदर कार्बन थे, लेकिन मैंने अभी तक वो नहीं काटी है थ्री फेस की, वो भी काटा दिखाऊंगा आज, ठीक है गाइस। ये मोटर है, मैंने कट लगवा दी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही ग्राइंडर से कट मरवा दिए थे। तो अगर ये नीचे की बात करें तो ये सिक्शन पॉइंट है इसका, मतलब पेट्रोल खींचने वाला, यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर की अगर बात करूँ तो इस तरह का फिल्टर लगा होता है, ये R15 का है, और हर कंपनी का अलग एक सेप होती है फिल्टर की, जो यहाँ से पेट्रोल साफ होके अंदर जाता है, तो इसके अंदर फिल्टर भी बहुत ज़रूरी है, फिल्टर नहीं होगा तो इसके अंदर जो अंदर इम्पेलर होता है जो प्रेशर बनाता है उसमें कचरा आ जाएगा, तो हमारे अंदर एक वाल भी होता है वो ब्लॉक हो जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा, और जो हमारी बाइक है वो मिसिंग करना स्टार्ट कर देगी अगर प्रेशर पूरा इंजेक्टर पर नहीं गया तो। तो सबसे पहले खोलो देखते हैं इसको, ये कटने बाद एक तो ये सिस्टम लगा होता है इसमें, ये कट देगा, एक ये है जो एम्पेलर बोलता हूँ मैं, प्रेशर जो क्रिएट करता है, ये देखो मेरे हिसाब से ये होता है इसमें, निकालता हूँ मैं इसको, और ऊपर की बात करूँ इसको निकालेंगे, ये ऊपर की तरफ से है, इसमें प्लस माइनस होता है, बैटरी का यहाँ पर लिखा भी होता है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी का पॉजिटिव होता है, बैटरी से आता है वायरिंग में घूम के, जैसे हम क्लिक स्विच वाले होते क्लिक स्विच ऑन करेंगे, जैसे यहाँ पे बैटरी का प्लस आगे खड़ा हो जाता है, माइनस जाता है ECU, ठीक है। तो इसको निकालते हैं फटाफट, ये देखो इसके अंदर क्या है, ये कार्बन लगे होते हैं,
दिख रहे हैं ना आपको ये कार्बन। कई बार क्या होता है हमारे कार्बन भी ख़राब हो जाते हैं, अगर कार्बन ख़राब हो गए तो भी हमारे जो उसकी है ना ये एम पिलर है इसकी RPM कम हो जाएंगे, ठीक है, तब भी हमारी जो मोटर है पूरा अच्छी तरह वर्क नहीं करेगी। दूसरा, अगर हम पेट्रोल कम रखेंगे बार बार सूखी चलेगी ओवर हीट होगी और हमारे कार्बन ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दें फ्यूल पंप जैसे समझिए जिस बाइक में भी लगी हुई है उसमें 3 लीटर पेट्रोल हमेशा डाल के रखें, जो जो हमारी ये मोटर ठंडी रहे और ये इसमें जो है प्रेशर पूरा बना रहे, जो मोटर हमारी फ्यूल पंप की ये मोटर है जल्दी से ख़राब नहीं होगी। अब इसका निकालते हैं ये एम्पीलर, ये देखो ये निकाल लिया मैंने, ये देखो ये नीचे निकालता हूँ मैं इसको, ये अलग पार्ट है इसका, अरे गाइस पहले ही आती थी ग्लैमर है अब भी आती है, जैसे कि बाकी पहले की बाइकों में ज़्यादा ये आती थी अगर हम ग्लैमर की बात करें R15 की बात करें, लेकिन अब नहीं आ रही है। एक दो कोई कुछ मॉडल आया भी है, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात नहीं है, अब क्वालिटी नहीं आ रही, अब तो सारी ये निकल नहीं रहा। ये घूमता है एम्पिलर, इसको घुमाता है, ये देखो अब ये इसके अंदर का ये निकालता हूँ, ये देखो इसमें अंदर मोटर में चुंबक है, ये देखो ये चुंबक है, अंदर चुंबक है तो पेट्रोल कम नहीं होगा था, जो पेट्रोल कम रहता है तो उस टाइम में ओवर हीट होती है, जैसे चुंबक की जितनी कंपनी ने चिपकाने वाली शक्ति होती है ना वो कम हो जाएगी, तो इसके ये पूरा रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो ये इसका ये इसको नहीं घुमाएगा, RPM कम हो जाएंगे, तो ये इसको देखो ये इसको घुमाता है, ये एम्पिलर जो है इसको घुमाता है, ठीक है, ये ऐसे घुमाएगा तो प्रेशर बनाएगा और इंजेक्टर पर हमारा ये निकल भी गया, देखो ये सिस्टम होता है, यहाँ पर कार्बन चलते हैं। कई बार ये जैसे ये कटा हुआ है देखिए उसका आर्मेचर, देखो तो ये कट गया, ये इतना गैप हो गया, देखो मैं अगर इसमें अगर ब्लेड आपको दिख रहा हो फोकस करके, ये देखो कितना कट गया इसका, ये काफ़ी गड्ढा पड़ गया है, अगर मेरे पेचकस उसके बीच में दिख रहा था आप लोगों को, तो ये कटने के कारण क्या होगा हमारे इसके RPM कम हो जाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ये रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये पुराने मॉडल का सिस्टम था, मतलब जो पुरानी अभी आ रखा है। अच्छा कौन कौन सी बाइक में आता है, अब एक तो जुपिटर में आती है बड़ी बड़ी मोटर, सुजुकी एक्सेस में भी बड़ी मोटर है, ठीक है, नहीं तो तकरीबन सब में छोटा सिस्टम आ रखा है, FI जो सिस्टम है, अगर मैं भूल गया हूँ कोई मैकेनिक दिख रहा है वीडियो तो कमेंट कर जरूर बताना। पुराने मॉडल बताता ही था R15 में, ग्लैमर में और FZ में, अब जितनी भी मोटर आ रखी हैं वो आ गई है 3 फेस की, ठीक है, तो वो उसके बाद अब वो देखते हैं खोल के उसमें क्या सिस्टम है, वो मैं भी फर्स्ट टाइम ये मैंने काटी है आपके सामने रोटेट हैं इसके, ठीक है, इसमें कार्बन है, कार्बन कट जाए तो भी दिक्कत नहीं, तो और ये आर्मेचर कट जाए, ये देखो आर्मेचर कट गया तो इसके RPM कम हो जाएंगे। अब देखते हैं ये वाला, तो ये मैंने कटवाया हुआ है, इसके अंदर भी ये सिस्टम लगा हुआ था, देखो छोटा एम्पिलर पर ये जो प्रेशर बनाएगा, ये नीचे की तरफ काट कर देख रखा था, अब ये ऊपर का सिस्टम है, ये हटाते हैं तो 3 इनका इसमें क्या निकलता है ऐसा, ये निकल जा, अच्छा सिस्टम वही है भाई, अच्छा इसमें भी, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ओपन हो रही है मेरे पास भी, ये जो पिन होती है ये पिन इसमें जो दिख रहा है या नीचे इसमें घुस जाती है और इस पे ये लग जाता है, ये इसको घुमाता है, अब ये घुमाता क्या अंदर घुमाने वाला सिस्टम अलग है, वो खोलते हैं क्या है इसके अंदर, ये क्या बात है, देखिए भाई क्या जुगाड़, छोटा सा जुगाड़ है ये पुराने का होता था, ये देखो कितना बदल गया, अब इसके अंदर ये कहते हैं बिना कार्बन की होती है, हाँ अलग तो ऐसा ही रहा है भाई, अंदर इसके कोई कार्बन नहीं है, देखो अंदर कार्बन नहीं है सीधा,
मतलब कंपनी ने क्या कर रखा है, ये पूरा सिस्टम ये पूरा सील्ड है, ये कैसे चलती है, ये फ्रिक्वेंसी से चलती है गाइस। कभी स्पिन में 2 वोल्ट आएंगे, कभी 1.5 वोल्ट आएगा, आधा वोल्ट आएगा, मतलब वो सारा ईसीयू डिसाइड करता है, ईसीयू के आधार पे। ये देखो क्या वो रखा है, जुगाड़ कर दिया कंपनी ने, ये ऐसे चलता है, ये इस पे लग जाएगा, ये ऐसे ऑन हो जाएगा, ये लग गया इस पे, यहाँ पे ये लगेगा और ऊपर ये लगेगा, सील होता है पूरा सिस्टम। ये बिना कार्बन वाली मोटर है गाइस, देख लो ये जुगाड़, छोटा सा इम्पेलर है, कोई कार्बन खराब नहीं होने, कुछ नहीं खराब होने वाले इसमें। यहाँ एक वाल लगा होता है इसके मुंह पर, बात करें तो यहाँ पे। अब इसको काटना पड़ेगा अगर ये निकलवाना है तो, बाकी ये सील्ड है। ये पूरा कंबाइन है, एक ही पीस में है ये सारा। इसके अंदर मैग्नेट कुछ नहीं है, मैग्नेट इसमें मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। उस मोटर में क्या था, आउटर साइड में मैग्नेट था, ये यहाँ बात कर दी, इसमें मैग्नेट यहाँ बाहर था, इसमें यहाँ इस पे मैग्नेट है, इसमें अब उल्टा सिस्टम कर दिया, इसमें मैग्नेट है, इसमें करंट छोड़ते हैं तो तब ये मैग्नेट रोटेट होता है, उसको घुमाता है, ये उल्टा कर दिया। ये कंपनियां क्या कर रही हैं, कोस्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस कोस्ट कर रही हैं, प्राइस कम करने के चक्कर में। जो क्वालिटी अभी ये नहीं पता, क्वालिटी उसकी ज़्यादा बेस्ट है या इसकी बेस्ट है, ठीक है भाई। ये तो हम आने वाले टाइम जैसे यूज़ कर रहे हैं, अभी छोटी मोटर भी ख़राब हो रही है, बड़ी तो ख़राब होती है, होती थी। हाँ जैसे कि R15 V2 की बात करें तो बड़ी मोटर होती थी उसकी, सालों साल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती थी, अच्छी क्वालिटी बात है। और जैसे RS BS3 15-16 मॉडल में आती हैं तो उसकी हद से ज़्यादा ख़राब हो रही है बड़ी वाली मोटर, छोटियों में कम इतनी दिक्कत नहीं आ रही। तो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो तो कंपनी कैसा प्रोडक्ट लगवा रही है वो तो कंपनी के ऊपर आधारित है। लेकिन इसके अंदर क्या था इस वीडियो में, मेरे को वो मैं वो ही दिखाना चाह रहा था आप लोगों से, इसमें क्या है ऐसा, ठीक है। तो इसमें ये जुगाड़ काट देखा, खोल कर देखा तो पता चला इसमें ब्रेसलेस, मतलब इसमें हमारे कार्बन नहीं है और वैसे ही मोटर रही है गाइस। एक चीज़ वो मैं बता दूँ, जो हमारी छोटी मोटर आती है अगर इसकी बात करें हम, ये R15 का जुगाड़ है। R15 में क्या है, कंपनी यहाँ से प्लस माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्टर लगा रखा है, उसको तीन देखो इधर यहाँ पे चेंज कर देता है, और यहाँ पे छोटी मोटर फिट कर रखी है, छोटे वाली इस तरह की छोटी मोटर फिट कर रखी है। R15 में क्या है, यहाँ पे ये सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब जैसे एक स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर में क्या है, ईसीयू से आते 3 तार, वही ईसीयू जो पूरा एक वो देता है, मतलब इंडिकेशन में जो वोल्ट देता है इसको, एक फ्रिक्वेंसी जो देता है, और ये प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं, कौन से में क्या आएगा कन्फर्म नहीं है, ठीक है। मैंने एक दो उससे बात बात भी करी है, उनसे जो ट्रेनर हैं वो बताते हैं भाई अलग अलग चेंज होते रहता है, कौन से में क्या आएगा पता नहीं है। सारा ईसीयू कन्वर्ट करता है इसको, कौन से में कम RPM रखने हैं, ज़्यादा रखना है, ईसीयू प्रोग्राम के ऊपर है सारा सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये जुगाड़ आ गया भाई, अब ये टेक्नोलॉजी हालांकि चल रही है, अभी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, चल रही है, सालों साल भी चल रही है, छोटी मोटर है पर चल रही है। प्राइस कट की बात करें तो हो सकता है उस चीज़ को देखते हुए भी कंपनी ने, अच्छा अब भी जैसे कि R15 आ रहे थे 5700 रुपये का रखा है, ये छोटी लगा दी, प्राइस फिर भी महंगे आ रखे हैं, तो ये दिक्कत, मतलब ये चीज़ें हो रखी भाई B6 में। तो मैंने दिखाया आपको बड़ी मोटर में और छोटी मोटर में उसके अंदर क्या सिस्टम है, इसमें कार्बन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों मैकेनिक दोस्तों के साथ। सो गाइज आपने देखा बड़ी मोटर में प्लस माइनस और कार्बन होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बारे में बताया दिया था, प्लस होता है वायरिंग के थ्रू, माइनस ईसीयू छोड़ता है, इसमें ये चलती है फ्रिक्वेंसी से, छोटी मोटर जो है इसमें कार्बन नहीं होते, मैग्नेट इसमें वो है, उस उल्टा सिस्टम है वो मैंने दिखाई दिया आपको, ठीक है। हाँ R15 में प्लस माइनस आता है R15 में, बता कर रहा हूँ, उसमें बीच में दिखाया हमने आपको, वहाँ पे एक कन्वर्टर दे रखा है, वो कंपनी ने प्रोग्राम कर रखा है, वो वहाँ से कन्वर्ट करके और वो उसको जो है सिग्नल जो है मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है इसके यहाँ से।
ये R15 है। अच्छा पल्सर 150 में भी सेम ऐसा ही है, पल्सर 150 मैंने जो B6 आई है उसमें भी सेम ऐसा फ्यूल मौसम लिया ही है। मोटर छोटी है, ECU छोड़ता है माइनस और प्लस आता है वायरिंग के थ्रू बैटरी की, तो उसमें भी सेम ऐसा ही है। और अगर आप हो सकता है कति टिपटो हो, मतलब देखने में ये एक दूसरे में फिट भी हो सकते हैं, वो डाल कर कभी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसीज होता है गाइज, ये वीडियो इतनी मैंने दिखाया आपको बड़ी मोटर और छोटी मोटर में अंदर क्या था, काट के दिखाई आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद दिल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।